हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ? हाँ पैसा लिया है, क्या हुआ? मेरे पास अभी पैसा नहीं है देने को। क्यों? मैं नहीं दे सकता। जो करना है करो, अगर तुम मेरे घर वालों को फ़ोन करते हो तो मैं एक भी पैसा देने वाला नहीं हूँ। जो करना है कर लो, क्या करोगे उससे ज़्यादा? कोर्ट में केस करोगे? जाओ करो। पुलिस लेके आओगे? जाओ लेके आओ, उसके बाद बात करता हूँ। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कॉल से आप लोगों को धमकी मिल रहा है उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो। देखिए छुटकारा पाने का मतलब पूरा पूरी रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए वो लोग तो आप लोगों को पैसा दिया है, वो लोगों तो काम है मतलब रिकवरी एजेंट्स वगैरह फ़ोन कॉल्स आप लोगों को करता रहेगा, क्योंकि उन लोगों का पैसा जो है मार्केट से उठाना है। हम लोगों का जो काम है उन लोगों को पैसा देना नहीं है, लेकिन उन लोगों का काम है जैसे कि हम लोग लड़ रहे हैं नहीं देंगे, वो लोग तो लड़ रहे हैं सही तरह लेंगे लेंगे, हम लोग आप लोगों से जो है पैसा दिया है हम लोग वापस लेंगे। तो ये जो चक्कर है इसीलिए आप लोगों के पास जो है इतना कॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। पूरा इसी में होगा कि आप लोग किस तरह से जो है डील कर सकते हो ये धमकी जो आप लोगों को मिल रहा है या फिर आप लोगों को फैमिली मेम्बर्स को मिल रहा है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जब भी दूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों के पास कॉल्स आता है, क्रेडिट भी हो धनी हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो जो आरबीआई रजिस्टर्ड हो या फिर बिना आरबीआई रजिस्टर्ड के, बात आज नहीं कर रहा हूँ, आरबीआई रजिस्टर्ड के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वो लोग आरबीआई रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ जो है आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, तो उन लोगों का काम भी होता है कि वो लोग पैसा वापस लें, लेकिन फ्रॉड तो हो रहा है आरबीआई रजिस्टर्ड हो कि चाहे ना हो, क्योंकि खुद जो है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जो है ये नोटिस आरबीआई को भेजा था, मनी व्यू लोन्स धनी का एप्लीकेशन जो भी है वो सारा कुछ है कि फ्रॉड एप्लीकेशंस के मतलब अकॉर्डिंग जो चल रहा है फ्रॉड को रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है फॉलो नहीं कर रहा है आरबीआई का, तो इसी चलते जो है, लेकिन उन लोगों का काम है जो फ्रॉड सा भी है कि मार्केट में बहुत अमाउंट जो है पड़ा हुआ है। ठीक है, उनको रिकवर करना है, तो इसलिए जो है कॉल्स के ऊपर कॉल जो है आप लोगों के पास आता है। आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल रिजेक्ट करो या फिर आप कॉल को उठाओ और उनसे बात करो। उनसे बात कैसे करना है आपको? आपको धमकाता है कि आपने पैसा लिया है, चोर पैसा चोर लोन चोर वगैरह बहुत कुछ बोलेगा। आपको बोलना है सिंपल यही कि मैं पैसा अभी मेरे पास नहीं है, मैं पैसा नहीं दूंगा, ये सब आप लोगों को बोलना है। डरना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को उसको फेस करना है। अगर आप मन में डर जाएंगे कि ये क्या बोलेगा, क्या डराएगा, मतलब डर जो है, मैं हर बार एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि डर जो है मन के अंदर वो डर निकाल दीजिए। डर अगर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप उनसे बात कर सकते हो। जैसे कि मानो कि मैं ये कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मेरे को कैमरे के सामने बात करना नहीं आता था, लेकिन मैं आप लोगों को जो है मेरा कैमरा जो है मैं समझता हूँ कि आप लोग सामने जो है बैठे हो मेरा, इसलिए मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। मेरा जो है मन का जो डर था वो निकल गया, क्या क्या बात करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, भूल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। लेकिन दोस्तों आपको इसी तरह से जो है डर निकालना है आपके मन से, डर निकाल दीजिएगा, दिखेगा सिंपल बात करना है। घर तक नहीं आता वो लोग, फ़ोन पे ही सिर्फ आपको धमकी देगा, आपको बोलेगा कि ठीक है अगर आप पैसा नहीं देंगे तो मैं आपके घर वालों को फ़ोन करूँगा, ये बोलूँगा वो बोलूँगा। आप सिंपल ये बोलना, चाहे फ़ोन करे ना करे वो अलग बात है, करने दीजिए, लेकिन आप सिर्फ ये बोलना है पैसा अगर दे भी देता, अगर घर वालों को फ़ोन भी गया तो एक पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि आपका जो है इज्जत का फालूदा हो रहा है। फ़ोन करेगा आपके दोस्त वालों को या फिर पड़ोसी को या फिर जो भी नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट पर आता है, लेकिन रजिस्टर्ड जो होता है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जाता नहीं है, रेफरेंस नंबर जितना दिया होता है उतना ही में ही कॉल जाता है। फिर भी अगर कोई करता है तो ऐसा आप लोगों को बोलना है। अगर आप लोग ये बोल देते हो तो वो देखना है, बोलेगा कि डरेगा नहीं, ये डर नहीं रहा है, क्या करूँ, धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा। बार बार एक ही बार फ़ोन करेगा आपको, 20 बार 30 बार फ़ोन कर रहा है, फ़ोन उठा नहीं रहे हो इसलिए जो है आपके पास फ़ोन आ रहा है, लेकिन आप एक बार उठा के बोल दीजिए, देखिएगा ये फ़ोन कॉल्स का जो मतलब आने का जो फ़ोन कॉल्स होता है ये कम हो जाएगा। डरना नहीं है, क्योंकि वो बहुत कुछ बोलेगा कि मैं पैसा दिया है, पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस लेके आऊँगा, कोर्ट जाना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। अगर देखो कोई केस करता है, ऐसा हो सकता है कि केस करने पर आपका मतलब उन लोगों का पैसा जो है वापस ले सकता है वो केस करके, क्योंकि ये जो मनी सूट जो है जो लॉ के अकॉर्डिंग जो है कि मनी सूट फाइल कर सकता है वो लोग, उसके बाद जो है ये मनी जो है रिकवर कर सकता है लोगों के पास से। लेकिन दोस्तों ये करता क्यों नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसीड्योर है, ये कोई शॉर्टकट प्रोसीड्योर नहीं है, क्योंकि ये लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज इसको पैसा दे दिया और इसका जो पैसा है मैं वापस अभी नहीं तो एक साल बाद मैं लूँगा, ये नहीं चाहता। इंस्टेंट जो पैसा उन लोगों ने दिया है वो लोग क्या किया है, मतलब उन लोगों का थिंकिंग है कि बिजनेस जो है बिजनेस प्रोफाइल जो है एकदम से झटाक से जो है फटाक से जो है वो लोग चलाना चाहते हैं। मतलब क्या होता है कि आप लोग अगर मतलब इतना टाइम लग जाएगा, इतना समय लगेगा इसका अगर पैसा रिकवरी करने में, तो उन लोगों का बिज़नेस में इफ़ेक्ट पड़ेगा,
तो इसलिए क्या करता है कि इंस्टेंट जो मनी दिया है इंस्टेंटली आप लोगों को धमकी दे के कुछ भी करके पैसा वापस लेने का मतलब है उनसे, ठीक है। कोई कोर्ट में जही नहीं जा सकता, कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो होता अगर तो बहुत सारा मेरा सब्सक्राइबर्स है या फिर ऐसा व्यूअर्स है जो कि सब्सक्राइब नहीं करता तो कमेंट में ज़रूर लिखता कि भाई मेरे को कोर्ट जाना पड़ा, ये हुआ, फेक भी हुआ पकड़ लेता, कोर्ट केस अभी भी किसी के साथ नहीं हुआ है क्योंकि ये तो आज का नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। तो सालों से अगर चला आ रहा है तो किसी का तो जेल होगा, किसी ना किसी का तो कोर्ट केस तो होता ही है, होगा ही, ज़रूर होगा, लेकिन हुआ नहीं आज तक भी। ये सिर्फ आप लोगों को डराता है और किसी न किसी तरीके से जो है आप लोगों को जो है पैसा वापस लेने के लिए सब करता है। अगर कोर्ट में केस जाएगा तो ये लंबा प्रोसीड्योर में जाएगा, लंबा प्रोसीड्योर कोर्ट में, तो आपका सिर्फ आपका केस तो नहीं हैंडल करेगा, वहाँ पे बहुत सारा केस होता है, वो केस भी देखेगा, आपका भी केस देखेगा, तो ऐसे ऐसे करते करते 4 साल 5 साल 10 साल भी लग सकता है, तो उन लोगों का बिज़नेस जो है ग्रो नहीं होगा। और ये है क्या, इंस्टेंट ग्रो करने के लिए आया है। हम लोगों के एजेंट्स मतलब यहाँ पे जो भी काम करता है ये बाहर का जो है डेटा यहाँ से नहीं, ये जो एप्लीकेशन रन करता है ये का इनका जो ओनर है वो बाहर का है, आउट ऑफ इंडिया। तो उन लोगों का मोटिव है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, क्योंकि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया है, इसलिए जो है हम लोगों को टारगेट करता है ये लोग। चाइना एप्लीकेशन, चाइना तो बैन कर दिया हमारे मोदी साहब ने, तो इसलिए क्या हुआ, चाइना ने ये चोरी छुपे कुछ लोन एप्लीकेशन अंदर चला ही रहा है। चाइनीज़ एप्लीकेशन बंद हो गया लेकिन ये एप्लीकेशन अभी जो इंडिया के नाम से चल रहा है लेकिन ऑपरेट हो रहा है चाइना से। इसी तरह से जो है आप लोगों को धमकाता है, आप लोगों को सिंपल कॉल रिसीव नहीं करना है, करना नहीं है तो करना नहीं है एकदम, डरना भी नहीं है। और दूसरा ऑप्शन जो है, कॉल अगर रिसीव करते हो तो बात करो उससे, डर से बात करना है, डरना नहीं है। हाँ बोलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ, हाँ पैसा लिया है, क्या हुआ, मेरे पास अभी पैसा नहीं है देने को, क्यों, मैं नहीं दे सकता, जो करना है करो, अगर तुम मेरे घर वालों को फ़ोन करते हो तो मैं एक भी पैसा देने वाला नहीं हूँ, जो करना है कर लो, क्या करोगे उससे ज़्यादा, कोर्ट में केस करोगे, जाओ करो, पुलिस लेके आओगे, जाओ लेके आओ, उसके बाद बात करता हूँ, सिंपल ये बात करना है आप लोगों को। डराएंगे आप लोग डरोगे नहीं, आप लोग खुद उसको डराओ, ठीक है। डराने से जो है वो बोलेगा कि भाई इसको डराने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा, ठीक है, कॉल्स आएगा लेकिन कम हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है आप लोग बच सकते हो ये धमकी वाले कॉल से। बहुत सारे SMS वगैरह मुझे भेजता है या फिर WhatsApp Telegram वगैरह में जो है SMS वगैरह आ रहा है कि कॉल्स आ रहा है, धमकी दे रहा है, तो यही है छुटकारा, ठीक है। छुटकारा मतलब छुटकारा आपको पूरा पूरी नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को मिल सकता है, राहत मिलेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जब भी दूँ सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।